देखिए दोस्तों, आज हमने बाजार में मिलने वाली मीठी बूंदी जो सबको बहुत पसंद होती है, खास तौर से यूपी और राजस्थान साइड में इस बूंदी को खाना बहुत पसंद किया जाता है। यह हमारी मार्केट की बूंदी थी, इसको हमने बना पसंद किया जाता है। तो चलिए आइए बूंदी बनाना शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए। ये वीडियो है हमारा बूंदी का। ये बूंदी एक पारंपरिक इंडियन स्वीट होता है, इसको खाना सबको पसंद होता है। खास तौर से ये यूपी और राजस्थान की फेमस डिश है। इसके अंदर लोग दाल मोट बेसन की भुजिया मिलाकर खाना बहुत पसंद करते हैं। वही वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और आप फटाफट इसको 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए बूंदी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम बूंदी ली है। ये बूंदी आपको किसी भी किराना स्टोर में मार्केट में आराम से मिल जाती है। ये पैक्ड पैकेट्स में भी आती है और खुली भी आती है। इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी मिश्री ली है। ये मेरी 250 ग्राम बूंदी है और ये मेरी 100 ग्राम मिश्री है। हम इसके के अंदर अभी मिश्री पूरी बूंदी हम जो है मिश्री में ही बनाकर रेडी करेंगे, क्योंकि हम लोग चीनी खाना पसंद नहीं करते, मिश्री से ही मिठाइयाँ बनाते हैं। आप चीनी से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर पानी गरम करने के लिए चढ़ा दिया। मेरा पानी अच्छे से खोल रहा है। अब जो ये हमने बूंदी ली मिश्री ली है, हम वो इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी सी मिश्री और डाल देंगे। देखिए इसकी एक गाढ़ी अच्छी सी चाशनी बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी कितने अच्छे से खोल रही है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये मिठाई बाजार से लाने में हमें बहुत महंगी पड़ती है। इस अगर हम इस तरीके से घर में फटाफट बनाकर रेडी कर लें तो हमें मिठाई ये बहुत सस्ती बनती और अच्छे से हम इसको बनाकर रेडी भी कर सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए हमारी एक इस तरीके की चिपचिपी सी चाशनी बनकर रेडी हो गई। अभी हम इसको बस 1 से 2 मिनट तक और इसी तरीके से बॉइल्ड होने देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से खोल रहा है। अब हम इसके अंदर 1 चुटकी इलायची पाउडर डालेंगे और 1 छोटी सी चुटकी रेड येलो फूड कलर डालेंगे। आप इसकी जगह रेड भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए येलो फूड कलर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हमको कलर थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा कलर और ऐड कर दिया है। ये देखिए बूंदी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। खोल में कलर डालने के बाद बूंदी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको गैस की फ्लेम मीडियम लो पर कर देंगे और इसको अच्छे से 2 मिनट तक और हम इसको खोला कर रेडी करेंगे। ये देखिए 2 मिनट खोलाने से ये हमारी बूंदी किस तरीके से जूसी होना शुरू हो गई है। इसको हमें ज़्यादा नहीं खोलाना है। चाशनी में डालने के बाद सिर्फ हम इसको 2 मिनट तक इस तरीके से खोलाएंगे। ये देखिए बूंदी हमारी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कि हमारी बूंदी कितनी सूखी सूखी बनकर रेडी हुई है। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। हमने इसके अंदर अब थोड़े से काजू ऐड करें इसको और हेल्दी बनाने के लिए। थोड़ी मेरी बूंदी देखने में और सुंदर लगे इसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़े से काजू ऐड करें और थोड़ी सी किशमिश डालिए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो डालिए, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमने इसके अंदर 1 चुटकी छोटी हरी इलायची का पाउडर और स्प्रिंकल किया है इसको बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आप इसके पानी का मेजरमेंट का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। अगर आप बिल्कुल मेजरमेंट के पानी का ध्यान रखेंगे तो आपकी बूंदी भी इसी तरीके से मार्केट जैसी खिली खिली
बनेगी। किसके आगे भी आप सर्व करेंगे तो वो ये नहीं कि उसको ये नहीं लगेगा कि आपने इसको घर पर बनाकर रेडी किया है। देख ली, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कितनी खिली खिली बूंदी बनकर रेडी हुई। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नई नई आसान आसान टिप्स, ट्रिक्स, रेसिपीज लाते रहते हैं और हम अपना वीडियो फेसबुक पर भी डालते हैं, वहां पर जाकर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए हमारी बूंदी बनकर, मार्केट स्टाइल बूंदी बनकर रेडी हुई है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।